विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा फूफ नगर में राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर अटेर चौराहे पर सीएम अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया। बता दें, इस दौरान समस्त व्यापारी वर्ग ने भी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल यह पूरा विरोध राजस्थान में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने व हिंदू नवदुर्गा शोभा यात्रा पर पथराव करने जैसे अत्याचार के खिलाफ दर्ज कराया गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संभाग गोरक्षा प्रमुख विशंबर सिंह भदूरिया, जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी दीक्षित व कर्णी सेना के अध्यक्ष आदित्य भदूरिया व युवा नेता रवि भदूरिया के नेतृत्व में राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने को लेकर फूफ थाना प्रभारी उपेंद्र छारी को भिंड कलेक्टर व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके मुख्य दो कारण है। एक पहला कारण ये है, राजस्थान में सुप्रसिद्ध साल साल बालाजी महाराज का एक मंदिर है। राजस्थान सरकार ने हिंदुओं की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए उनका अपमान किया और उनके स्वागत गेट को रातों ही रात तोड़वा दिया। जब वहाँ के हिंदू समाज ने इसका विरोध किया, फिर वहाँ के हिंदू समाज ने ही एकजुट होकर उस स्वागत गेट का निर्माण कराया। दूसरा कारण यह है कि करौली में हमारे हिंदू समाज के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के समस्त महानुभाव शांतिप्रिय ढंग से वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार की साजिश कारण कुछ असामाजिक तत्वों ने जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, उन्होंने हमारे शांतिप्रिय जुलूस पर प्राणघातक हमला किया और उसमें 36 लोग घायल हुए हैं, 35 दुकानें जो है जलाकर राख कर दी गई हैं। आज समग्र देश का हिंदू समाज राजस्थान सरकार से अप्रसन्न है, नाराज है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, राजस्थान सरकार की कटु शब्दों में निंदा करता हूं और जो उस जुलूस में हमारे हिंदू समाज के दुकानदार आहत हुए हैं और जो जुलूस में सम्मिलित हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज के लोग घायल हुए हैं, उनके साथ मैं पूरी सहानुभूति दर्शाता हूं। भिंड से अजय तोमर की रिपोर्ट।